एक हवा का झोंका मेरे गालों को गुदगुदाता है, फूलों की खुशबू दिल को लुभाती है। और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो, दूर से आती है चिड़िया की आवाज। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ। और हरे हरे बगीचों में ढेर सारे फूल, अच्छा लग रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुइजावा में हैं? एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं, कुदरती ठंडक की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में हैं। हवा में बसंत की मीठी सी खुशबू थी। अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौधे मौजूद हैं। तुम लोग हर मौसम का मजा यहाँ पर ले सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, दूसरों के आंगन की तरह नहीं। उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मजा उठाना नामुमकिन है, पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मजे लिए जा सकते हैं। तू ज्यादा बोल रहा है। हे, तुम वहाँ पर खड़े मत रहो। तुम हवा के झोंके को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा में ठंडक कम हो रही है। कितनी बुरी बात है ना, सुनियो। ओफो, काश यहाँ से कोई एक चला जाता। हाँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा, समझे? वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं शिजुका, तुम रुक सकती हो। मुझे माफ करना सुनियो, मुझे पियानो क्लासेस में जाना है। ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ताजी हवा का सचमुच बहुत मजा आया, फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया थी। मैं घर आ गया। मुझे यकीन है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुशबू जरूर आएगी। आओ नोबिता। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? इस कमरे में घुटन महसूस होती है। तुम कमरे की खिड़की क्यों नहीं खोल देते? खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुम्हें गुदगुदाते हुए महसूस करो। बाहर कितना शोर शराबा हो रहा है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी। या तो फूलों वाली ताजी हवा के आसार ही नहीं नजर आते। क्या ताजी हवा? पता है, आज फिर सुनियो अपनी धौंस जमा रहा था। तुम जानते हो ना, उसके घर में एक बड़ा गार्डन है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में हो, जहाँ ठंडी हवा चलती है। क्या ताजी और ठंडी हवा। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना भी सुनाई देगा। चिड़ियों का चहचहाना और ताजी ठंडी हवा। मैं ऐसे सुंदर फूलों वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा। तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना? तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। क्या सच में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एवरीवेयर फैन। इससे तुम ठंडी खुशबूदार हवा यहाँ ला सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं हर तरह की हवा यहाँ ला सकता हूँ। जैसे कि जंगलों की हवा की महक वगैरह वगैरह। और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोलकर मुमकिन हो जाता है। वाओ, ये तो बढ़िया है। और सुनो नोबिता, तुम इसे लहराकर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, मजा आ रहा है। अब तो चिड़ियों का चहचहाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं और तरह की हवाएं भी बना सकता हूँ, मिसाल के तौर पर। ये साउथ पोल से एक ब्लिज़र्ड है, कहो कैसा लगा?
एक ट्रॉपिकल ब्रीज, जल्दी एक ट्रॉपिकल ब्रीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। अजी, गर्मी है, मुझे तो ट्रॉपिकल फ्रूट की खुशबू आ रही है। ये मौसम हवाई या ताहिती में होता है। मतलब तुम किसी भी तरह की हवा बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम फिर शुरू हो गए, मैं जानता हूँ तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता। मैंने सही कहा ना डोरीमोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, पर नोबिता। तुम चिंता मत करो, मैं बस अलग अलग तरह की हवाएं बनाना चाहता हूँ। बाय बाय। माफ करना, बस इतना ही है। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियो, और आज बहुत मजा आया। तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ जियान। अच्छा तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए सुनियो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओ अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज है जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ये रही। ये चली गर्मा गर्म हवा। जियान सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना। अरे ये क्या है? क्या बात है जियान? ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती। यहाँ तो मैं तप रहा हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता, भागो। हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस फैन से बनाया है मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज। ये रहा वो फैन। हाँ? तुमने मुझे बचा लिया नोबिता, जियान तो मेरे गले ही पड़ गया था। अब क्यों ना इस ब्रीज को बंद कर दें, क्यों नोबिता? मैं माफी चाहता हूँ, ये ब्रीज एक घंटे तक चलती रहेगी। क्या कहा, एक घंटा? ओके बाय। ये क्या हुआ? क्या कहा, ठंडी हवा? हाँ ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वाओ ये कितनी अच्छी बात है, खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद मैं हवा को महसूस कर पा रही हूँ। शिजुका क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ? ये क्या, वो तो फंस गया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ही, क्या ये तुम्हारा है? हाँ शुक्रिया, ये मुझ पर उधार रहा। छोड़ो कोई बात नहीं। शिजुका क्यों ना हम थोड़ी देर कुछ खेलें? तुम्हारा मतलब क्या है? आइडिया, इस पर राइड करें। क्या इस पर? हाँ हम इस तरह ऊपर जाएंगे। ये मैं नोबिता को लेकर परेशान हूँ, वो उस गैजेट का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। जब भी उसे कोई नया गैजेट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नई शरारत करने में लग जाता है। वो इस वक्त भी कोई शरारत ही कर रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ। नोबिता तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नोबिता? नोबिता। थैंक्स
तूफान से खेलने में मजा आ रहा है। ये इतना समझ लो, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया डोरेमोन। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते नोबिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो? फालतू बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। वापस दो। वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है। नहीं, वो मुझे दो। बिल्कुल नहीं। नोबिता भी, नोबिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे डोरेमोन, आज नोबिता को खूब डांट पड़ेगी। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो नोबिता। मैं घर आ गया। ओह डैड, आप ही का इंतजार था। अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? घर में तूफान आया हुआ है, हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते डैड। क्या तूफान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो।